नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्रॉस केबल के बारे में जानना चाहते हैं कि क्रॉस केबल जो है वो कैसे बनाई जाती है, कौन सी कलर कोडिंग जो है वो कैसे कनेक्ट की जाती है, तो आज का वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर केबल को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर दो तरह की जो केबल होती हैं, क्रॉस एंड स्ट्रेट, उनमें से क्रॉस केबल जो है कैसे बनाई जाती है। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। नेटवर्किंग के अंदर मैक्सिमम जगह पे जितने भी नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, स्मार्ट इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वहां पे स्ट्रेट केबल ही लगता है, क्रॉस केबल बहुत कम जो है इसकी जरूरत पड़ती है। फिर भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जब हम सिंगुलर डिवाइसेस को लगाते हैं तो हमें क्रॉस केबल की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको आज प्रैक्टिकली ये बताने जा रहा हूं कि क्रॉस केबल आप कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी कलर कोडिंग जो है एक एंड पे होगी और दूसरे एंड पे कौन कौन सी कलर कोडिंग होगी। सो आज के वीडियो को आप ध्यान से देखें, हम आपको प्रैक्टिकली ये बताने जा रहे हैं कि क्रॉस केबल कैसे बनती है। वेल फ्रेंड, क्रॉस केबल बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए यहाँ पे RJ45 कनेक्टर्स, उसके बाद आपको CAT5 या CAT6 केबल चाहिए, और उसके अलावा आपको जो है क्रिम्पिंग टूल चाहिए। क्रिम्पिंग टूल की मदद से हम ये केबल बना पाते हैं। जैसे कि आपने पहले मेरे वीडियो में देखा था, तो कि ऊपर की जो लेयर रहती है उसको निकाल के इसके अंदर से हम केबल को जो है वो अलग करेंगे। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके काट लेता हूँ, और ये देखिए, जैसे आप देखेंगे इसके अंदर 4 पेयर की केबल जो है वो दिखाई देती है, मीन्स टोटल 8 केबल। और ये जो बीच में इसको सपोर्ट देने के लिए होता है, इसको आपने क्रिम्पिंग टूल की मदद से काट लेना है। तो मैं अभी इसको काट देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर एक कटर लगा रहता है, आपने कटर के आगे इसको ले आना है और ये आप इजीली इसको काट लेंगे। ध्यान रखें दूसरी केबल इसके साथ ना कट जाए। ये देखिए, अभी इन केबल्स को हम जो है अलग अलग कर लेते हैं, जैसे कि एक दूसरे के साथ ये लगी होती हैं, एक दूसरे के साथ ये कुछ रहती हैं, तो आप इनको निकाल लें और इनको अभी आप सीधा कर लें। तो मैं अभी इसको सीधा कर लेता हूं, जैसे कि अभी हमें जो है क्रॉस केबल बनानी है, तो इसके लिए मैं पहले इनको एकदम स्ट्रेट कर लेता हूं, और इनको एक एंड पे आपको स्ट्रेट की तरह ही रखना है। जैसे सबसे पहले मैं ऑरेंज वाइट ऑरेंज, उसके बाद ग्रीन वाइट, उसके बाद ब्लू एंड ब्लू वाइट, और उसके बाद अभी हम यहाँ पे ग्रीन, और ग्रीन के बाद हम लगा देंगे ब्राउन वाइट एंड ब्राउन। ये जो नॉर्मली हम स्ट्रेट बनाते हैं, एक एंड पे आपको सेम जो है स्ट्रेट कनेक्टर की तरह बनाना है। दोबारा कलर देख लें, सबसे पहले ऑरेंज वाइट ऑरेंज, उसके बाद ग्रीन वाइट है, उसके बाद ब्लू ब्लू वाइट है, उसके बाद ग्रीन है, ग्रीन के बाद ब्राउन वाइट एंड ब्राउन है। फ्रेंड्स, तो इस कलर को आपने इसी सीक्वेंस में रखना है, और इस केबल को आप सीधा कर लें। सीधा करने के बाद इसके एंड को जो है बराबर में कटर की मदद से काट लें। ओके, मैं अभी काट देता हूँ। ये देखिए, इसकी कटिंग एकदम सीधा होना चाहिए, सो दैट हमारा RJ45 का जो कनेक्टर है, जिसके अंदर 8 जो है वे बने होते हैं, उनके अंदर ये अच्छे से चला जाए। तो अभी मैं इसको जो है पैरेलल में इन वेज के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, और आपने इसको थोड़ा आगे की तरफ पुश करना है, सो दैट यहाँ पे इसके कनेक्टर का प्रेसिंग वाला पार्ट लगा है उसके नीचे तक अच्छे से ये चला जाए। उसके बाद हमारा जो क्रिम्पिंग टूल है, इसके अंदर RJ45 के लिए ये देखिए वे बना हुआ है, पहले RJ11 के लिए है, ये RJ45 के लिए है। 11 जो है वो टेलीफोन में होता है। मैं इसको अभी थोड़ा प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए, आपने इसको दबा के प्रेस करना है, सो दैट जो कनेक्टर होते हैं वो तार के अंदर वो उनके एंड जो है वो घुस जाए। ये देखिए, ये कनेक्टर आपका एक एंड जो है बनके तैयार हो गया है, दूसरा एंड अभी तैयार नहीं है। दूसरे एंड में यहाँ पे कलर कोडिंग चेंज होती है, वही क्रॉस केबल का मेन जो है काम होता है, मेन अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी शील्ड सिल लेता हूँ, उसके बाद ये देखिए मैंने स्ट्रेट कर रखी। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है ग्रीन वाइट लेना है। यस, यहाँ से फर्स्ट में ग्रीन वाइट लगेगा, जैसे उसमें ऑरेंज वाइट लगा था,
तो मैं पहले ग्रीन वाइट लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन लगेगा, राइट। दो नंबर में ग्रीन रहेगा और तीन नंबर में रहेगा हमारा ऑरेंज वाइट, और उसके बाद रहेगा ब्लू, यस। उसके बाद ब्लू, ब्लू के बाद हम ब्लू वाइट लेते हैं, और उसके बाद ऑरेंज, हाँ यस, उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ब्राउन वाइट, एंड ब्राउन वाइट के बाद लगता है ब्राउन। तो यहाँ पे सीक्वेंस एक एंड पे तो स्ट्रेट केबल जैसा रहता है, दूसरे एंड पे चेंज होता है। ये देखिए दोबारा, सबसे पहले हमने ग्रीन वाइट लगाया, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद जो है हमने ऑरेंज वाइट लगाया, फिर ब्लू है, ब्लू के बाद ब्लू वाइट है, उसके बाद ऑरेंज है, ब्राउन वाइट एंड ब्राउन है। तो ये सीक्वेंस आपको क्रॉस केबल के एक एंड पे रखनी पड़ेगी। अभी मैं इसको भी जो है क्रिम्पिंग टूल की मदद से काट लेता हूँ, और एकदम इसको भी वैसे ही सीधा काटना है जैसे आपने दूसरे एंड को काटा है। और अभी RJ45 के अंदर इसको जो है ऐसे हम पुश करेंगे कि ये आगे तक जो है कनेक्टर के साथ चला जाए। और अभी मैं इसको एक बार क्रिम्प करता हूँ, ये देखिए क्रिम्प किया, ये हमारा जो है क्रॉस केबल जो है अभी बन के तैयार हो गए हैं। सो फ्रेंड, इस प्रकार आपने देखा कि आप जो है क्रॉस केबल जो है वो कैसे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ RJ45 कनेक्टर एंड क्रिम्पिंग टूल। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर के साथ इसको शेयर जरूर करें। वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, टिप एंड कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।